हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे नया टॉपिक, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन। वैसे ही हमारे लिए एकदम नया टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि हमने कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालना, डोमेन निकालना, ये ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो बट आज हम इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो मतलब सिंपल भाषा में मैं क्या बोलूंगा कंपोजिट फंक्शन को, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे मैंने कहा साइन एक्स, अगर मैंने उसका आर्गुमेंट भी एक फंक्शन दे दिया, लेट से मैंने एल एन एक्स दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा साइन ऑफ एल एन एक्स, वो मेरा क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो मैं क्या लिख रहा हूं शॉर्ट में, इट इज फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इट इज फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में, फंक्शन का फंक्शन। जैसे मैंने लिखा अपना लेट्स से साइन ऑफ एल एन एक्स, तो दिस इज माय कंपोजिट फंक्शन। अगर मान लो मैं इसको एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा हूं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मेरा बाहर वाला फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा इसमें, साइन एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मेरा जो अंदर फंक्शन लिखा है दैट इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब इसका थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। लेट्स से ये मेरा एक सेट है ए, ये मेरा सेट है बी, ये फंक्शन, चलो मैं ये जो एग्जांपल है इसमें मैं ये फंक्शन मान रहा हूं कि फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और मेरा एक और फंक्शन है जी, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम लेट्स से सेट सी टू सेट डी। ठीक है, अच्छा तो ए क्या हो गया मेरा डोमेन सेट फॉर एफ, बी इज व्हाट, कोडोमेन सेट फॉर एफ। सिमिलरली हियर सी सेट मेरा क्या है, जी के लिए डोमेन का काम कर रहा है, एंड जो कैपिटल डी सेट है दैट इज एक्टिंग एज अ कोडोमेन फॉर जी फंक्शन। ठीक है ना, तो मैं इसमें एलिमेंट्स लिख लेता हूं, लेट्स से अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, और लेट्स इधर लिखा मैंने बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, बीटा फोर, बीटा फाइव। चलो मैंने ये दोनों एलिमेंट्स इससे मैप कर दिए, ओके, फिर मैंने चलो बीटा टू को छोड़ दिया, ये ऐसे कर दिया, और लेट्स से चलो बीटा फोर तक ही काफ़ी है था, और एक अल्फा फोर ले लिया। ठीक है, इट इज क्या ये फंक्शन वैलिड फंक्शन है, हाँ फंक्शन वैलिड है, क्योंकि डोमेन का हर एक एलिमेंट यूज हुआ है, नो एलिमेंट इज लेफ्ट आउट इन दिस सेट, एंड इधर एक छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन टू नहीं है लेकिन फंक्शन तो डिफाइंड है। तो मैंने एफ को ये मान लिया, अब मैं जी को डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से ये मेरा बीटा वन है, ये मेरा बीटा थ्री है, बीटा टू को मिस कर रहा हूँ मैं इधर, बीटा फोर है, बीटा फाइव है, और इधर मैंने गामा वन, गामा टू, गामा थ्री, गामा फोर। लेट्स से बीटा वन इस पे मैप है, और बीटा टू मैंने ले लिया, बीटा थ्री इस पे मैप है, और बीटा फोर किस, बीटा फोर इस पे मैप है, और बीटा फाइव भी इस पे मैप है। ठीक है, और लेट्स इधर गामा फोर छोड़ दिया, गामा फोर पिक्चर में ही नहीं आया, ठीक है चलेगा। तो मैंने बोला दीज आर माय टू फंक्शंस एफ एंड जी, ठीक है ना, ये मैंने बनाया। अब हम कंपोजिट फंक्शन लिखते हैं इसका, तो लेट्स से पहले मैंने एफ ऑफ जी एक्स लिखा, मैंने क्या लिखा पहले एफ ऑफ जी एक्स, पहले हम देखते हैं क्या ये डिफाइन होगा कि नहीं, फॉर दिस इंफॉर्मेशन क्या ये डिफाइन होगा हम देखते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा एफ ऑफ जी एक्स, तो जी ऑफ एक्स मतलब एक्स मेरा कहां से उठ के आएगा, अंदर पहले हम क्या रखते हैं x जो रखेंगे हम इधर उठा के रखेंगे g में, तो इसका मतलब g के डोमेन से आएगा x, इधर से उठ के आएगा। तो मैंने लिखा लेट से मैंने बोला इसकी वैल्यू इवैल्यूएट की x is equal to beta 1, beta 1 डाला, beta 1 is what domain of set for function g, तो देखो इधर मेरा क्या आ जाएगा f of g of beta 1। अच्छा अब मेरा g of beta 1 क्या है, गामा 1, तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ f of गामा 1। अब मैं गया f के फंक्शन के पास, तो देखा क्या f में गामा वन इनपुट है क्या, मतलब डोमेन में है क्या, नहीं, उधर तो अल्फा वन वगैरह है, तो ये दिस इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ बच्चों क्या बोला, जैसे एक और ले लेते, मैंने बोला f ऑफ gx मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू लेट्स से बीटा, बीटा टू तो नहीं है इसमें, बीटा थ्री है, तो बीटा थ्री पे, समझ में, देखना मैंने बोला f ऑफ gx में इनपुट कहां से आएगा, देखो जो अंदर फंक्शन लिखा है हम इधर ही तो x रखेंगे, एंड विच इज वॉट डोमेन, मतलब कहां से रखेंगे, बेसिकली डोमेन ऑफ जी से, तो बीटा थ्री रखा, बीटा थ्री रखा, तो इस तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या होगा जी, एफ ऑफ जी ऑफ बीटा थ्री, एफ ऑफ जी ऑफ बीटा थ्री। अब जी ऑफ बीटा थ्री है वो उसकी वैल्यू कितनी है,
बीटा थ्री किससे मैप है? गामा टू से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ गामा टू। अब एफ ऑफ गामा टू पता करने के लिए हम क्या गए, फंक्शन एस के पास गए, तो देखा क्या उसके इनपुट में गामा वगैरह है क्या? नहीं, गामा वगैरह तो है नहीं, हैंस दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ऐसे देखते जाएंगे बीटा वन बीटा थ्री, सिमिलरली बीटा फोर पे क्या होगा, एफ ऑफ गामा थ्री आएगा, बट गामा थ्री इधर है नहीं, तो वो भी डिफाइन नहीं होगा। एंड लास्टली बीटा फाइव डालूंगा मैं, तो क्या होगा, एफ ऑफ बीटा फाइव, वो भी गामा थ्री देगा, तो एफ ऑफ गामा थ्री अगेन वो भी डिफाइन नहीं होगा। तो ओवरऑल एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब जो क्वेश्चन दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी है, उस बेसिस पे इन पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी एक्स तो डिफाइन नहीं होगा, पक्की बात है। अब हम आते हैं जी ऑफ एफ एक्स पे, आ जाते हैं कि क्या जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन है। तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इतने पार्ट को रब कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, जी ऑफ एफ एक्स देखना है, एफ ऑफ जी एक्स तो डिफाइन नहीं है। तो नाउ लेट्स चेक जी ऑफ एफ एक्स। मैंने बोला जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो लेट्स से पहले मैंने अब इधर क्या होगा, मेरा एक्स कहां से उठ के आएगा, एफ के डोमेन से, क्योंकि इधर रखेंगे ना हम एफ में, एफ के आर्ग्यूमेंट में रखेंगे एक्स। तो लेट्स से इधर आर्ग्यूमेंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट लेट्स से मैंने अल्फा वन पे चेक किया, तो अल्फा वन पे क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा वन, और एफ ऑफ अल्फा वन क्या है, एफ ऑफ अल्फा बीटा वन, तो ये हो गया जी ऑफ बीटा वन। अब हम g ऑफ बीटा वन देखने के लिए कहां गए, g फंक्शन के पास गए, क्या उसके डोमेन में बीटा वन है, हाँ डोमेन में बीटा वन है, बीटा वन किससे मैप है, गामा वन से, तो फाइनली दिस इज गामा वन। तो अगर लेट्स से मैं इसको एक नया फंक्शन बोल रहा हूं h ऑफ x, तो h ऑफ x के लिए मेरा अल्फा वन तो क्या कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, और गामा वन क्या कर रहा है, रेंज का काम कर रहा है, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ डोमेन फॉर h ऑफ x, व्हिच इज अ कंपोजिट फंक्शन, एंड गामा वन विल बी अ पार्ट ऑफ रेंज। लेट्स से अब मैं दूसरा कैलकुलेट कर रहा हूं, लेट्स से मैंने अब अल्फा टू डाला, अब देखना एच ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा टू डाला तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा टू, तो इधर से मेरा क्या आया, एफ ऑफ अल्फा टू, देखा अगेन इट इज मैप टू बीटा वन ओनली, तो ये हो गया मेरा जी ऑफ बीटा वन, जी ऑफ बीटा वन क्या है, गामा वन, तो इधर तो हमारा सेम आया। चलो अब मैंने निकाला अल्फा थ्री पे, इसी की वैल्यू, तो अल्फा थ्री किस पे मैप है, बीटा थ्री पे। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसमें बेटा टू, एक काम करो इसको ना इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये इसको इस पे मैप कर रहा हूं, एक चीज बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इस पे मैप कर रहा हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखना सुनना, अगर अल्फा थ्री डाला तो जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा थ्री क्या आएगा मेरा, बीटा टू, तो जी ऑफ बीटा टू। अब हम कहां गए, जी के डोमेन के पास, तो जी के डोमेन में देखा क्या बीटा टू है, नहीं, इधर तो बीटा वन बीटा थ्री बीटा फोर बीटा फाइव है, तो बीटा टू तो नहीं है, बीटा टू नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा कि अल्फा थ्री क्या है, बेसिकली अल्फा थ्री जो है वो एफ का तो डोमेन है, बट कंपोजिट फंक्शन एच ऑफ एक्स का डोमेन नहीं है, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ है ही नहीं। इसका मतलब अल्फा थ्री नहीं डाल सकते कंपोजिट फंक्शन, एफ पे तो डाल सकते हैं, बिकॉज एफ पे अल्फा थ्री पे आउटपुट बीटा टू मिल रहा है, बट कंपोजिट फंक्शन में नहीं डाल सकते। सिमिलरली लास्टली हम अल्फा फोर के लिए चेक करते हैं, तो अल्फा फोर के लिए क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा फोर। अब जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा फोर, एफ ऑफ अल्फा फोर क्या है, बीटा फोर, तो ये हो गया जी ऑफ बीटा फोर। फिर हम उधर गए जी ऑफ बीटा फोर, तो जी ऑफ बीटा फोर, बीटा फोर किससे मैप है, जी के पास, गामा थ्री से, तो ये आया हमारा गामा थ्री। तो अल्टीमेटली क्या लिखूं मैं, व्हाट इज द डोमेन According to this information, what is the domain and range for my composite function h of x? तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, domain. Domain क्या होगा according to the information given here? Domain क्या होता है, x की values ना? Note देखो, कभी भी ये मत बोलना कि domain होगा fx की values के लिए, नहीं। Domain is हमेशा domain क्या होगा, x की values, जो independent variable है ना उसकी कंप्लीट सेट, अलाउड वैल्यूज का कंप्लीट सेट इज व्हाट माय डोमेन। तो इधर मैं एक्स क्या क्या रख सकता हूं जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो एक तो अल्फा वन के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, अल्फा टू के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, अल्फा थ्री के नहीं मिल रहा, अल्फा फोर के मिल रहा है। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर, दीज आर माय पार्ट ऑफ, मतलब दीज थ्री एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द डोमेन। तो क्या लिखूं मैं, डोमेन इज अल्फा वन अल्फा टू, और अल्फा थ्री नहीं आएगा, अल्फा फोर, केवल तीन एलिमेंट आएंगे मेरे डोमेन में, चार नहीं आएंगे। F में तो चार एलिमेंट है, बट उसके कंपोजिट फंक्शन में कितने हैं, जो g ऑफ एफ एक्स बताया, इसमें तीन एलिमेंट है डोमेन में,
अभी इससे कंक्लूजन लिखवाऊंगा मैं, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। क्या बोला दोबारा, एफ के डोमेन में तो चार एलिमेंट है, बट कंपोजिट फंक्शन जो मेरा एच ऑफ एक्स है इसमें तीन एलिमेंट है डोमेन में, ठीक है। अभी आएंगे इस पॉइंट पर हम दोबारा, उससे पहले हम रेंज लिख लेते हैं। तो मैंने बोला रेंज, तो रेंज क्या होता है बेसिकली, मेरा जो मेरा इनपुट है वो मैं फंक्शन में डालता हूं, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट रेंज। तो अल्फा वन डाला, गामा वन मिला, तो एक एलिमेंट मेरा हो गया गामा वन रेंज का कॉमा। फिर अल्फा टू डाला, दोबारा गामा वन मिला, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है सेट में, रिपीटेशन ऑफ नंबर इन ए सेट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। तो गामा वन उधर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने लिखा अल्फा थ्री डाला, कुछ नहीं मिला, अल्फा फोर डाला गामा थ्री मिला, तो गामा थ्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेंज, तो गामा वन एंड गामा थ्री। तो इधर हमारे रेंज में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, किसके कंपोजिट फंक्शन में, ठीक है। अच्छा अब ऐसा, अब और जी के मेरा जो रेंज है, जी का जो रेंज है उसमें मेरे तीन एलिमेंट है, गामा वन गामा टू गामा थ्री, ठीक है। अब देखना जो मैं स्ट्रेस दे रहा था इसको नोट के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मैंने स्ट्रेस दिया तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने बोला, एक बार और बोलता हूं, मैंने बोला कि एफ के डोमेन में चार एलिमेंट है और एच के डोमेन में विच इज जी ऑफ एफ एक्स इसमें तीन एलिमेंट है, और एक चीज और, वो तीनों एलिमेंट जो है वो इधर से ही आए हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डोमेन जो होगा माय कंपोजिट फंक्शन का, जी ऑफ एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो एफ के डोमेन का सबसेट होगा। क्या लिखा, जो ऐसे लिख लो, चलो डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, क्या लिख रहा हूं मैं नोट वन में, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स विल बी व्हाट सबसेट, सबसेट कैसे लिखते हैं हम ऐसे, इस सबसेट, सबसेट दिस इज प्रॉपर सबसेट, लेस देन इक्वल्स मतलब सबसेट, बराबर भी हो सकता है, इस केस में बराबर नहीं आया है, छोटा आया है, बट ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं क्या लिखूं, दिस इज सबसेट ऑफ व्हाट माय डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ ऐसे लिख लो, डी ऑफ डी मतलब डोमेन, डी स्टैंड्स फॉर डोमेन, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे इसका यूज क्या है, जैसे मैंने देखो मतलब एक चीज और, जैसे जो f है वो अंदर वाला फंक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलेंगे कि जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डोमेन जो होगा ना, जो उसके अंदर वाला फंक्शन है ना उसके डोमेन का सबसेट होगा। एक बार और, जो कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाला फंक्शन है उसके डोमेन का सबसेट होगा, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये एक मेरा कंपोजिट फंक्शन है, जैसे बाहर वाला फंक्शन मेरा एफ है और कुछ भी हो सकता है एफ वो, और अंदर क्या लिखा है कॉस इनवर्स एक्स। तो अब इसके लिए लेट्स से दिस इज माय फंक्शन एच ऑफ एक्स, दिस इज माय फंक्शन एच ऑफ एक्स, एग्जांपल बता रहा हूं मैं। अब देखो क्या है बेसिकली, मुझे मान लो इसका डोमेन देखना है, तो विदाउट फाइंडिंग एफ ऑल्सो, विदाउट नोइंग एफ, एक्चुअली विदाउट नोइंग एफ, एफ मुझे पता नहीं है तो भी मैं इसके डोमेन के बारे में कुछ तो कमेंट कर सकता हूं। क्या कमेंट कर सकता हूं कि इसका डोमेन पक्का, इसका जो डोमेन है एक्स, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ माइनस वन टू वन, मतलब इसके बाहर नहीं होगा, इसी के अंदर कुछ ना कुछ होगा। समझ में आया क्या बोला मैं, मैंने बोला कि जो एच ऑफ एक्स है इसमें हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस नोट दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन जिसका अंदर वाला फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स है। अभी हमने क्या देखा, जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो जो अंदर जो फंक्शन होता है ना उसी का कुछ सबसेट होता है, उसके बराबर या उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और मुझे पता है इधर अंदर फंक्शन क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स, और इसका डोमेन क्या होता है, माइनस वन से वन, तो बेसिकली इसी का कुछ सबसेट होगा इस माय फंक्शन का। अब एफ पता होगा, एफ अगर पता है तो हम प्रॉपर निकाल ही लेंगे डोमेन, बट एफ नहीं पता तो इतना बोल देंगे कि इसी का कुछ सबसेट होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, बराबर आ सकता है और नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है किस पे, एफ क्या है मेरा, क्लियर है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अब ये तो हो गया डोमेन के ऊपर, अब मैं आ जाता हूं, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लेना। अब मैं रेंज के ऊपर आता हूं, तो लेट्स से इधर ही लिख लेते, नहीं तो मैंने बोला रेंज। अब देखो रेंज जो है मेरा किसका, एक मिनट रुकना, जी का रेंज, जी का जो रेंज है वो तो सेट डी है, गामा वन गामा टू गामा थ्री है, तीन एलिमेंट्स हैं, और जो मेरा कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स उसमें मैंने देखा रेंज में दो एलिमेंट आए, तो इधर भी सेम कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं क्या, कि जो रेंज है कंपोजिट फंक्शन का दैट विल बी सबसेट ऑफ रेंज ऑफ बाहर वाला फंक्शन।
डोमेन के लिए तो अंदर वाले फंक्शन का सबसेट होगा, रेंज के लिए बाहर वाला, तो बाहर वाला क्या है जी, तो जी का इसका ही कोई सबसेट है ना, गामा वन गामा टू गामा थ्री का दो एलिमेंट्स हैं। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस, चलो मैं इसको रवि कर देता हूं। मैंने बोला कि रेंज रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज कंपोजिट फंक्शन, दिस इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ माय बाहर वाला फंक्शन विच हियर इट इज जी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इधर एग्जांपल हमने ऐसा लिया, अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब मैंने लिया लेट एक्स, समझने के लिए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज अगेन अ कंपोजिट फंक्शन। अब मैंने क्या बोला, इसमें हम डोमेन के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा, अब मैं रेंज के बारे में कमेंट करूंगा। रेंज क्या होगा, जो बाहर वाला फंक्शन है उसी के जो रेंज आती है ना उसी का कुछ सबसेट होगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता है कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स जो फंक्शन है उसका रेंज क्या होता है, जीरो से पाई बाय टू, तो मैं बोलूंगा इसका जो रेंज है ना, इसका जो रेंज है दैट विल बी लेस देन, या फिर सबसेट लिख लो ऐसे, दैट इज सबसेट ऑफ जीरो क्लोज से पाई क्लोज, इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर रहेगा या फिर इसके बराबर होगा, वो अगेन किस पे डिपेंड करता है, अंदर फंक्शन क्या है। बट हाँ, इतना कमेंट कर सकते हैं विदाउट नोइंग एफ एक्स ऑल्सो कि इसका जो रेंज होगा वो जीरो से पाई के बीच में आएगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया कंपोजिट फंक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत फील आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक नोटेशन और है वो और लिख लेते हैं कि जैसे अभी तो मैंने लिखा है प्रॉपर जी ऑफ एफ एक्स, इसको एक शॉर्ट तरीके से और लिखते हैं, वो क्या है उसको भी हम नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं, ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, अंदर वाला डोमेन क्या होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं, डोमेन अंदर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट, रेंज बाहर वाले फंक्शन के रेंज का सबसेट। मैंने बोला नेक्स्ट नोट क्या है, जो भी हमने लिखा जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको एक और तरीका है नोटेशन करने का, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको रीड करते हैं फॉग ऑफ एक्स, या फिर सिंपली आई कैन राइट फॉग फंक्शन, बाय डिफॉल्ट इट मींस आर्ग्यूमेंट इज एक्स। सिमिलरली g ऑफ एफ एक्स को क्या लिखते हैं, g ऑफ f ऑफ x, दिस इज गॉफ, रीड कैसे करेंगे, गॉफ x, तो फॉग गॉफ याद रखना ऐसे, फॉग मतलब f ऑफ gx, गॉफ मतलब g ऑफ एफ एक्स, दिस इज x, तो इसको भी क्या करते हैं शॉर्ट में गॉफ लिखते हैं केवल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आया अब तुम बोलो सर f ऑफ g क्या है, f ऑफ g मतलब इट इज अ कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx, सिमिलरली g ऑफ f क्या है, इट मींस g ऑफ f x, बहुत छोटा सा बात है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, अब इसको रब करो, अब हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं कंपोजिट फंक्शंस के, ठीक है, तो मजा आने वाला है, आज हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जस्ट कॉपी दिस पार्ट। अब मैं ले रहा हूं, देखना मैंने लिखा एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू लेट से एल एन एक्स, और फिर मैंने बोला फाइंड एफ ऑफ जी एक्स कॉमा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, एक तो ये दोनों फंक्शन निकाल लें, प्लस ऑल्सो फाइंड देयर रेंजेस एंड डोमेन, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंजेस, डोमेन एंड रेंजेस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो देखना पहले एफ ऑफ जी एक्स पे डिस्कशन लेते हैं, उसके बाद जी ऑफ एफ एक्स पे। तो देखो सॉल्यूशन, तो लेट से मैं एफ ऑफ जी एक्स पहले निकाल रहा हूं, तो क्या करूं मैं, जो भी मेरा एफ फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, तो उसमें मैं एक्स की जगह जी रख दूं, तो f ऑफ जी एक्स क्या होगा, इसमें मैंने x के लिए g रख दिया, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ जी एक्स, साइन ऑफ g ऑफ x, क्या किया अभी तक मैंने कि फॉग x निकालने के लिए जहां जहां भी fx में x था वहां gx रख दिया, अब मैं gx प्रॉपर रख दूंगा, gx की डेफिनेशन रख दूंगा मैं इधर, तो क्या हो जाएगा इधर f ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ln x, तो ये तो हो गया हमारा फॉग x फंक्शन। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, ताकि डोमेन और रेंज वैसे भी हम पहले कवर किए हैं इसका, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर तुमने उधर अच्छे समझाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, चलो पहले लेट से डोमेन की बात करते हैं, तो मैंने बोला डोमेन के लिए हम क्या करते थे, बाहर वाले फंक्शन से अंदर की तरफ जाते थे, क्या बोलते थे, पहले हम साइन के पास गए, क्या साइन को कोई दिक्कत,
नहीं, साइन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। फिर हम क्या करते हैं, अंदर मूव करते हैं, फिर मुझे मिला एल एन एक्स, इसको कोई दिक्कत, हाँ इसको दिक्कत है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो ओपन से इंफिनिटी, जीरो पे ओपन, बिकॉज एल एन जीरो इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं रेंज पे, तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला, जैसे एल एन एक्स, अब मैं देखूंगा इन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए जो अंदर वाला जो फंक्शन है वो आउटपुट क्या दे रहा है। हम क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का रेंज कैसे निकालते थे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको टी मान लिया, तो बेसिकली मुझे साइन टी की रेंज निकालनी है, वे टी इज टी की फिर अलग नहीं निकालना पड़ता, कैसे करते थे हम, देखो रेंज निकालने के लिए लेते थे लेट एल एन एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर टी की रेंज निकालते थे पहले, तो टी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑल रियल वैल्यूज, उन सभी रियल वैल्यूज के लिए साइन एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट साइकिल्स आएंगी, मतलब पूरा कवर होगा। क्या लिखूंगा मैं, अब मुझे किसकी रेंज निकालनी, साइन ऑफ टी की, साइन ऑफ टी की, बट अभी मेरा डोमेन कर्टेल्ड है, एक्चुअली कर्टेल्ड नहीं है बट मानेंगे कर्टेल्ड, कि मुझे टी इस सेट के अंदर देखना है विच इज ऑल रियल वैल्यू, तो साइन की पूरी साइकिल कवर होंगी, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, वही जो साइन एक्स का रेंज होता है, बिकॉज इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना एल एन एक्स, दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स, तो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो ऑल रियल वैल्यूज है, हेंस द आउटपुट विल बी माइनस वन टू वन। तो ये मेरा हो गया डोमेन, दिस इज माई रेंज फॉर फॉग एक्स, ठीक है। अब हम गॉफ एक्स पे डिस्कशन करते हैं, तो अब गॉफ एक्स पे आता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं इतने पार्ट को, देखो गॉफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अगेन जी ऑफ एफ एक्स में क्या करूं मैं, जी फंक्शन जो है उसमें जहां भी एक्स लिखा है वहां एफ डाल देता हूं, तो मेरा हो गया दिस इज एल एन ऑफ g of sorry ln of f of x, तो ये हो जाएगा ln of f of x is sin x, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा g of f x। अब आते हैं डोमेन एंड रेंज की बात, तो पहले डोमेन की बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है डोमेन, बिकॉज मैंने तुम्हें एक जगह बताया था इसमें हम ना डोमेन निकालते इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग पीरियोडिक फंक्शन, उसमें इस टाइप की चीज पड़ी थी, देखना कैसे डोमेन पे आते हैं। तो सबसे पहले डोमेन के लिए क्या करते हैं, बाहर वाले फंक्शन पे आते हैं ln x पे, तो जो मेरा ln x है उसका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, इसका मतलब sin x शुड बी ग्रेटर देन 0, sin x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो sin x ग्रेटर देन 0 कब होता है, इनफाइनाइट उसकी जो साइकिल होती है उसमें हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहता है हाफ में नेगेटिव रहता है, तो इसके लिए क्या किया हमने, sin x का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस एंड इट विल रिपीट ऑन सो ऑन, तो ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, इसका मैं अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखूं तो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में विच इज जीरो टू पाई, तो इट इज जीरो ओपन से पाई ओपन, ओपन क्यों लगा रखूं, बिकॉज इधर भी ग्रेटर देन है इक्वालिटी नहीं है, तो ये तो हो गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मैं जनरल सॉल्यूशन क्या करूं, टू एन पाई ऐड कर देता हूं, तो मेरा इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा, विच इज नथिंग बट अ डोमेन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स, दिस विल बी 2n पाई कॉमा पाई प्लस 2n पाई, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन डोमेन क्या होगा, वही मेरा डोमेन होगा इसका, तो फाइनली मैं इसको रब कर देता हूं इतने पार्ट को, मैंने बोला डोमेन, डोमेन देखना, डोमेन मेरा क्या होगा, ये होगा इस फंक्शन के लिए कंपोजिट फंक्शन कॉफ एक्स के लिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं इस साइड 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई, ठीक है। अब आते हैं हम रेंज पे, ठीक है, रेंज पे। अब रेंज के लिए मैंने क्या बोला कि अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स की कोई भी एक साइकिल यूज करते हैं, बिकॉज हमें पता है, देखो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ln of sin x, क्यों, क्योंकि जब पीरियोडिसिटी पढ़ाया था कंपोजिट फंक्शन की, तो उधर बोला था कि कंपोजिट फंक्शन f of gx का पीरियड क्या होता है, जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होता है, पर अंदर क्या है, sin x, तो 0 से 2 पाई इसका पीरियड है, और मुझे पता है 0 से सॉरी पाई से 2 पाई तो जा ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, रेंज निकाल लेता हूं फॉर 0 टू पाई, जो रेंज आएगा वही इसका ओवरऑल रेंज हो जाएगा, बिकॉज ये तो रिपीट कर रहा है ना ग्राफ, तो मैंने बोला कि 0 से पाई के लिए मैं इसका रेंज निकाल रहा हूं। अब 0 से पाई के लिए जो sin x है, जो 0 से पहले इसको लिख लेता हूं, पहले ln of sin x, मैंने बोला फॉर x लाइन बिटवीन 0 टू पाई, जो मेरा sin x है इतना पार्ट जो है ये कहां से कहां लाई करेगा,
जीरो टू वन एंड ऑफ कोर्स जीरो, अच्छा जीरो, एक मिनट, ओके ठीक है, तो दिस इज जीरो से वन क्लोज। देखो वन क्लोज क्यों लगाया है, अगेन ओपन मत कर देना, इधर वो पाई ओपन है, इधर वन ओपन, बहुत जल्दी जल्दी में होता है, नहीं पाई बाई टू पे वैल्यू आ रही है इस वन, तो ये तो जीरो टू पाई में क्या होगा, मैंने बोला जीरो टू जीरो ओपन से पाई ओपन के लिए साइन एक्स का रेंज क्या है, सिंपल सी बात, जीरो ओपन से वन क्लोज, डोंट पुट ओपन एट वन। तो फाइनली मेरा ये इनपुट जा रहा है एलन को, तो मेरा फाइनल रेंज क्या हो गया, एलन जीरो से एलन वन, एलन वन पे क्लोज, एलन जीरो पे इनफिनिट ओपन, तो ये क्या हो गया, फाइनली द रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू एलन वन, दिस इज माई रेंज ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन, क्लियर हो? तो थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ऑफकोर्स, अभी हम अभी तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन है, अभी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं, देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू cos of x for x belonging to 0, pi by 2 and this is equal to root over x for x belonging to 0 close से half close, ठीक है, you have to find g of f x, ठीक है, एक निकालते हैं cos x, तुम लोग निकालना खुद से, ठीक है, इसको लिख रख लेता हूँ, तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, एज यूजुअल मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो क्या करें हम, सबसे पहले जो जी, एक मिनट, जी फंक्शन तो लिखा ही नहीं मैंने, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, जी जो मेरा फंक्शन है, अच्छा बेसिकली एक मिनट गलती हो गया है, दिस इज, वेट अ मिनट, दिस इज जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, देखो दोबारा एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स फॉर एक्स लाइन बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू एंड जी एक्स इज रूट एक्स फॉर एक्स लाइन बिटवीन जीरो टू हाफ, देन फाइंड कॉस एक्स, कोई तुम्हें को लगा जी एक्स कहाँ गया, चलो ये भी एक आसानी क्वेश्चन है, इसके बाद हम और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, देखना क्या बोला, तो वीडियो पॉज करो एक बार, क्वेश्चन ट्राई करो, बेटर होगा सबसे, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। तो मैंने जैसे बताया था जी ऑफ एफ एक्स में क्या करें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंपोजिट फंक्शन में, g के अंदर जहां जहां x है वहां वहां मैं f रख देता हूं, तो g of x मिल जाएगा, तो मैंने बोला फाइन फॉर्मली g of fx क्या होगा मेरा, जहां जहां x है g के अंदर वहां मैं f रख दूंगा, तो क्या जाएगा मेरा g इधर आ जाएगा, रूट एक्स है तो रूट ऑफ एफ एक्स, और ये भी इधर भी एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स लाइन बिटवीन जीरो टू हाफ। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, जो फंक्शन दे रखे थे जी और एफ, इधर वो डोमेन भी रिस्ट्रिक्टेड, तो मैंने क्या किया सिंपली इस वाले इक्वेशन में जहां जहां x है, इवन इस जो डिफाइन है उस वाले पार्ट पे भी x की जगह fx, x की जगह fx, x की जगह fx, इस स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हालांकि इधर तो वो भी कम ही लगेगा क्योंकि इधर हमारी जो fx की एक ही डेफिनेशन है, अभी हम आगे देखेंगे कि fx की भी दो दो डेफिनेशन है, gx की भी दो दो डेफिनेशन है, तब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, अभी तो क्या करना है मुझे एफ एक्स उठा के यहां रख देना बस, जैसे हर बार करते हैं, बट अभी क्या है एक चीज छोटी सी है कि अभी तक जैसे मान लो मेरा ये नहीं था, जब मेरा ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं था तो मैं डायरेक्टली कॉस एक्स इधर उठा के रख रहा था, वो मेरा फाइनल आंसर हो गया था, बट अभी क्या है जब मैं एफ एक्स को उठा के रखूंगा तो कॉस एक्स के साथ साथ इसका जो डोमेन है ना वो भी उठ के आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे एफ एक्स को उठा के रखना है, और एफ एक्स केवल कॉस एक्स नहीं है, एफ एक्स इज, एफ एक्स की फुल डेफिनेशन क्या है, fx is equal to cos x for x lying between this interval, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, for x lying between this interval cos fx is cos x, तो जब मैं cos x को इधर पुट करूंगा इस वाली लाइन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये चीज भी उठकर आएगी, ये तुम्हारा समझने वाली बात है, फील करो क्यों, ऑफ कोर्स ना, क्योंकि fx केवल cos x नहीं है, fx is cos x for x lying between this, this is a complete definition of fx, तो पूरा का पूरा उठ के इधर आएगा, ठीक है, तो चलो उठा लेके लाते हैं, तो इधर एफ एक्स आया तो ये हो गया रूट ऑफ कॉस एक्स, तो एक तो ये ऑलरेडी लिखा है मेरा कि एफ एक्स शुड बी लाइंग बिटवीन जीरो टू हाफ, और दूसरा ये वाला पार्ट उठ के आएगा, तो दिस एंड
x should lie between 0 to pi by 2. मतलब इसका मतलब क्या है, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए. जब मैं मैथ में बोलता हूं कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो बेसिकली क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन. ये चीज समझने वाली बात है, ठीक है ना, कि मैं वही x इसमें से लूंगा जब ये भी सेटिस्फाई हो रहा हो, ये भी सेटिस्फाई हो रहा हो. क्लियर है बच्चों? तो कर लेते हैं हम. तो पहले fx को देख लेते हैं. पहले इसका देखो, ये तो सिंपल है, 0 टू पाई बाय 2, इसको और देख लेते हैं. तो fx लाइन बिटवीन 0 टू हाफ. तो देखना, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले कराया था जिसमें जब डोमेन वगैरह निकाल रहे थे तो एक तो क्या था, पीरियोडिक फंक्शन था. तो उसका जो डोमेन होता है वो तो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, मतलब हर एक साइकिल में कुछ कुछ पार्ट आ जाता है. और एक मैंने उसी के साथ मैंने एक फंक्शन ऐड किया था जिसका डोमेन फिक्स था, एक लेट से 1 से 2. तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं पहले इसका डोमेन नहीं लिखूंगा, मतलब पीरियोडिक वाले का, मैं देखूंगा कि इतने पार्ट के लिए ही बनाऊंगा इसका ग्राफ, क्योंकि अल्टीमेटली इसी का कुछ पार्ट आने वाला है. बिकॉज इंटरसेक्शन लेंगे तो मतलब क्या होगा, इसी का कुछ हिस्सा आएगा. तो मैंने क्या किया, cos x का ग्राफ बनाया ओनली फॉर 0 टू पाई बाय 2, फिर देखा कि cos x 0 टू हाफ किन वैल्यूज ऑफ x के लिए आ रहा है. क्लियर है बच्चों? तो मैंने cos x का ग्राफ बना लेता हूं 0 टू हाफ. तो दिस इज द ग्राफ. देखो मैंने बोला fx belongs to 0 टू हाफ ना, इसका जो आंसर होगा ये तो इनफाइनाइट सेट होगा. मतलब पहले हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे फिर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे. क्यों? क्योंकि जो fx है वो मेरा पीरियोडिक है. बट मैंने बोला उतना करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम देखो जो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 0 टू पाई बाय 2 के अंदर ही इसका ग्राफ बनाओ, उसका सॉल्यूशन लिखो, जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है. तो 0 टू पाई बाय 2 के अंदर मैंने देखा कि fx 0 टू हाफ का बार है, तो हाफ इज दिस, और हाफ पे वैल्यू कितनी कितनी होती है, पाई बाय 3. 0 टू हाफ मतलब ये हाफ है, इतना पार्ट, इतने पार्ट के लिए मेरा x क्या है, ये वाला, एंड विच इज नथिंग बट पाई बाय 3 से पाई बाय 2. तो बेसिकली दिस मीन्स this is equivalent to x belonging to pi by 3 से pi by 2. अब बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन इज what? इधर आ जाएगा, लिखा हो जाएगा. तो मेरा इन दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है क्लियरली, 0 से pi by 2 और pi by 3 से pi by 2. इंटरसेक्शन क्या होगा, pi by 3 से pi by 2. दिस इज इंटरसेक्शन, लिख लो इधर. क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों? चलो मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ हल्का सा. तो फाइनल मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ ऑफ एक्स की. देखना फाइनली मुझे आंसर क्या लिखूंगा मैं, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू पाई बाय 3 से पाई बाय 2. दैट्स इट, ठीक है, दिस इज माई जी ऑफ एफ एक्स. अगर मान लो उसने बोला डोमेन और रेंज भी निकाल लो, एक मिनट के लिए ऐड कर देते हैं. तो देखना डोमेन तो दिख रहा है, डोमेन तो यही होगा, तो दिस इज वॉट माई डोमेन. अब रेंज और निकाल लेते हैं. तो रेंज निकालने के लिए सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा अपन ग्राफ से जाते हैं. तो cos x का ग्राफ बना लेते हैं, तो जो भी बनाया था उसी से काम चल जाएगा मेरा. ये है मेरा cos x का ग्राफ फॉर 0 टू पाई बाय 2, ठीक है. रूट cos x का भी ऐसे होगा, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड चेंज होगा बट 0 पे वैल्यू 1 ही होगी और पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 होगी. तो यहां से यहां जाएगा एंड इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो कुछ तो ऐसे कर्व होगा. आई डोंट वॉन्ट द एग्जैक्ट कर्व, इट इज समथिंग लाइक दिस, इतना काफी है. अब मैंने बोला पाई बाय 3, मतलब यहां पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी देगा, 1 बाय 2 मत बोलना, रूट कॉस एक्स है तो 1 बाय रूट 2, और पाई बाय 2 पे वैल्यू इज 0. तो अल्टीमेटली रेंज क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस ग्राफ का जो मैं शेड कर रहा हूं अभी, इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज 0 से 1 बाय रूट 2. तो फाइनली रेंज क्या हो गया मेरा, रेंज विल बी 0 से 1 बाय रूट 2. समझ में आया होगा, ठीक है, इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब तुम्हारा टास्क क्या होगा, इसी को फॉग एक्स निकालना, उसका डोमेन और रेंज निकालना, ठीक है ना. अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी. चलो अब थोड़ा सा और अच्छा लेवल करते हैं क्वेश्चन का. अब क्या करूंगा मैं क्वेश्चन में, जो फंक्शन फंक्शन जो था अभी तो क्या है, रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया था डोमेन, अब मैं रिस्ट्रिक्ट भी करूंगा प्लस डेफिनेशन भी आई विल ब्रेक इट. मतलब एफ एक्स का जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स लाइन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 एंड इट इज कॉस एक्स फॉर एक्स लाइन बिटवीन पाई बाय 2 से पाई बाय 3, मतलब एफ एक्स का भी डेफिनेशन ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है. तो हम बोल करते हैं, तो उससे पहले क्या करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो. मैं इसको रब कर देता हूं. तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं.
देखना क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो इट इज फोर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो and it is 2 minus x for x greater than equals to 0. Find g of fx. So pause the video and do on your own. ठीक है एक बार खुद से try करो ज्यादा सीखने मिलेगा. ठीक है मैं इसको discussion लेता हूँ. अब देखना क्या किया मेरे को निकालना g of fx. तो g of fx निकालते वक्त हम क्या करते हैं g of f of x निकालना है मुझे. तो जहां जहां भी जी में एक्स है उसकी जगह एफ एक्स लिख देते. सबसे पहला स्टेप में दिक्कत आनी नहीं चाहिए तुम्हें. ठीक है ना पहले स्टेप तो सबसे इजीएस्ट स्टेप है. क्या करूं मैं जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां मैं एफ एक्स लिख देता हूं. तो इधर क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स प्लस वन फॉर एफ एक्स लेस देन जीरो एंड इट इज टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ध्यान देना थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें हर एक स्टेप पे स्ट्रेस देना. ठीक है तो पहला स्टेप तो हालांकि बहुत आसान था. अब आएगी दिक्कत. देखो अभी तक तो क्या हो रहा था कि एक ही डेफिनेशन थी हमारी. ठीक है तो मेरा एफ एक्स उठ के आ रहा था सीधा का सीधा यहां. बट अभी क्या मैं कौन सा एफ एक्स रखूं. एफ एक्स में दो डेफिनेशन है कि एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड फोर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इनमें से कौन सी डेफिनेशन उठा के रखूं वो डिपेंड करता है यहां क्या लिखा है. अगर यहां लेट से यहां लिखा है लेट से वन से टू लिखा है मान लिया एक मिनट के लिए एक्स बिलोंग्स टू वन से टू तब तो मेरी ये डेफिनेशन यूज होगी. अगर इधर मेरा मान लो माइनस टू से माइनस वन लिखा है विच इज नथिंग बट एक्स लेस देन जीरो तो मेरा ये डेफिनेशन यूज होगी. तो डिपेंड किस पे कर रहा है यहां क्या लिखा है. क्लियर है बच्चों. अब यहां अभी तो समझ में नहीं आ रहा मुझे एफ एक्स लेस देन जीरो कब है तो मैं क्या करूंगा इसको एक्स में मैप करूंगा. मैप इट विद एक्स मतलब मैं देखूंगा एफ एक्स लेस देन जीरो किन एक्स के लिए वो लिख दूंगा इधर. मतलब कहने का मतलब इधर इनइक्वालिटी एफ एक्स के टर्म्स पे लिखी आई हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स मतलब एक्स लिख दूंगा मैं इसके करस्पॉन्डिंग. मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ इसका सोल्यूशन लिख दूंगा मैं इधर. क्लियर है तो इधर अगर एक बार एक्स आ गया मेरा तब मैं देखूंगा एक्स इस इंटरवल में आ रहा है या इस इंटरवल में आ रहा है. जिसमें से भी आ रहा होगा उसका डेफिनेशन रख दूंगा इधर उठा के. क्लियर है बच्चों. तो अल्टीमेटली माई टारगेट इज टू फाइंड values of x for which fx is less than 0 and similarly here also values of x for which fx is greater than equals to 0. ठीक है देखो इसको करने के यहां से दो तरीके हैं which I prefer. एक तो है कि inequality वाला part और एक है graphical part. तो मतलब मेरा मानना है कि graphical part थोड़ा आसान होता है तो मैं इसको graphically बताता हूं. ठीक है तो देखना मैंने क्या बोला दोनों भी डिस्कस कर सकते हैं ऐसा कोई वो नहीं है. है छोटा सा ही ठीक है जैसा देखते हैं आगे चल के. पहले मैं ग्राफिकली बता रहा हूं तो मैंने बोला सबसे आसान तरीका है पहले तुम एफ एक्स का ग्राफ बना लो. क्या बना लो मैं अब यहां से मेथड वन बोल रहा हूं एफ एक्स का ग्राफ बना लो फिर देख लो कि एफ एक्स लेस देन जीरो किन एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो किन एक्स के लिए ज्यादा आसान रहेगा. तो मैंने एफ एक्स का ग्राफ बनाया तो देखना ध्यान से एफ एक्स का ग्राफ इस पे आ रहा है. एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं क्योंकि मुझे ये देखना है कि एफ एक्स लेस देन जीरो किन एक्स के लिए. नहीं तो क्या करो इसको सॉल्व करो वैसे भी कर सकते वो भी मैं बता दूंगा साइड. मैंने बोला एफ एक्स लेस देन जीरो तो एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो जीरो पे वैल्यू पहले इसको देख लेते हैं फोर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है जीरो पे वैल्यू कितनी है फोर तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू फोर है. जीरो पे वैल्यू फोर है ठीक है. अच्छा फोर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डाउनवर्ड पैराबोला फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसे होगा दिस इज फोर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज फोर. देख लो प्लस माइनस टू रूट टू आता है तो एक इधर आता है एक इधर आता है बस उसने डिफाइन केवल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए बनाया तो हम पैराबोला भी बनाएंगे केवल जीरो से इन्फिनिटी के लिए. अब आते हैं एक्स लेस देन जीरो के लिए. एक्स लेस देन जीरो के लिए उसने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर इधर क्लोज होता तो वैल्यू कितनी आती माइनस वन तो बट क्लोज नहीं है तो हम भी माइनस वन पे इधर ओपन लगाएंगे दिस विल बी माइनस वन. और एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा जिसके प्लस माइनस वन रूट होते हैं बट मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बनाना है तो ग्राफ इज This part only. तो इधर भी मैं लिख देता हूँ ये मेरा वैल्यू कितनी है ये जीरो का हो रहा है टू पे
और ये सी जीरो का बोरी वन माइनस वन पे इधर। तो अभी मुझे क्या मिल गया, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, क्लियर है? अब सुनना, अब क्या किया, अब ये देख लिया एफ एक्स लेस देन जीरो कब है, किन एक्स के लिए। तो मैं बोले बोला एफ एक्स लेस देन जीरो मतलब एफ एक्स जो कर्व है वो बिलो एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो देख रहा माइनस नहीं एक मिनट, हाँ इधर माइनस वन से लेके जीरो तक, अगेन बोथ आर ओपन। मैंने बोला एफ एक्स लेस देन जीरो कब कब है, एक्स बिलोंग टू, देखना ध्यान से सुनना, माइनस वन ओपन से जीरो ओपन इस इंटरवल के लिए, ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे तो माइनस वन से जीरो ओपन। अभी पूरा नहीं हुआ, यूनियन टू से इंफिनिटी के लिए भी नीचे, टू पे भी ओपन आएगा क्योंकि मुझे लेस देन चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं चाहिए, जीरो भी नहीं चाहिए, तो मतलब टू पे ओपन आएगा, तो टू से इंफिनिटी, यूनियन टू से इंफिनिटी, दिस इज व्हाट ये। तो अब क्या होगा, ये चीज पूरी की पूरी उठ के इधर आ जाएगी, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। दोबारा एक बार क्या किया, एफ एक्स का ग्राफ बनाया और ये देख लिया कि एफ एक्स एक्स एक्सिस के नीचे किन एक्स के लिए आ रहा है, तो इधर मिला हमें माइनस वन ओपन से जीरो ओपन एंड टू ओपन से इंफिनिटी ओपन, क्लियर है। अब देख लेते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब तुम्हें दिख रहा है इस फंक्शन का डोमेन इज आर, तो ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते हो आर माइनस दिस, बट ठीक है हम ऐसे लिखते हैं सेट के फॉर्म, वैसे लिखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं। तो क्या होगा मेरा एफ एक्स का कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर कब है, प्लस जीरो कब है, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्लोज, तो मेरा आया माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन जीरो क्लोज से टू क्लोज, जीरो क्लोज से टू क्लोज, इसके लिए भी मेरा ऊपर है, जीरो क्लोज से क्लोज क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज इधर इक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जीरो क्लोज से टू क्लोज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े स्पेस क्रिएट करने के लिए एक काम करता हूं, इसी में तुम लोग कॉपी कर लो इतना पार्ट, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं थोड़ा रब करके, स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, तुम लोग इसको अच्छे से कॉपी करो, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम्हें एग्जांपल होमवर्क के लिए भी दूंगा दो तीन क्वेश्चन इसी के ऊपर, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, ये एफ एक्स लेस देन जीरो था, उसको उठा के इधर रख देता हूं मैं, तो मैं इधर मिटा रहा हूं इसको, एफ एक्स लेस देन जीरो मुझे मैप करना था एक्स, एफ एक्स लेस देन जीरो कब है, तो मुझे मिला ये, तो माइनस वन से जीरो यूनियन टू से इंफिनिटी, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये जब मिला माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो क्लोज से टू क्लोज, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं, देखो अब मेरा इस स्टेप तक आ गया, यही मेन क्रिटिकल स्टेप था एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है ना, इस पूरे क्वेश्चन। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे है, हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होता ही है। अब मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा, फाइनली ये डेफिनेशन आई विल यूज, अब एफ एक्स कौन सा पुट करना है वो डिपेंड करेगा इधर क्या लिखा है, अगर इधर लेस देन जीरो लिखा है तो ये डेफिनेशन इधर उठ के आएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है तो ये डेफिनेशन उठ के आएगा इधर। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, बेसिकली देखना ध्यान से, ये अपने आप में इसमें क्या आ रहा है, जैसे कुछ नेगेटिव आ रहा है कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो देखना पहले मैं माइनस वन से जीरो के लिए देख रहा हूं, मैंने लिखा फॉर माइनस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन से जीरो, फिर इसके लिए देखते हैं, पहले माइनस वन से जीरो, पहले फॉर एक्स लाइन बिटवीन माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो मतलब नेगेटिव, तो मेरा क्या आएगा x less than 0 वाली डेफिनेशन, वो है क्या x square minus 1, वो कहाँ आएगी उठ के इस वाले में जाएगी fx plus 1 में, तो fx plus 1 में x square minus 1 और plus 1, समझ में आ रहा है। अब मैंने इसका दूसरा डेफिनेशन 2 से इनफिनिटी, फॉर x belonging to 2 से इनफिनिटी, 2 से जो इनफिनिटी है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, तो fx की ये डेफिनेशन उठ के आएगी, कहाँ आएगी, अगेन आएगी तो इसी में, अभी अभी ऊपर वाले सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी हम यही वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसी पे सॉल्व कर रहे थे, fx plus 1 पे ही आएगी, लेकिन डेफिनेशन 2 से इनफिनिटी के लिए कौन सी यूज होगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और fx plus 1 फॉर x लाइन बिटवीन 2 टू इनफिनिटी, समझ में आया बच्चों। अच्छा फिर और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब इन वैल्यूज के लिए जाते हैं, अब मैंने लिखा फॉर x लाइन बिटवीन माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1, मैंने लिखा x बिलोंगिंग टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के लिए, अगेन दीज आर नेगेटिव वैल्यूज, अब मेरी कौन सी डेफिनेशन होगी, ऊपर वाली आएगी, बिकॉज एक्स लेस देन जीरो के लिए एफ एक्स इज दिस, बट अब आएगी का इस वाले में, क्योंकि हम ये वाले डोमेन के लिए देख रहे हैं ना, तो टू माइनस एफ एक्स, तो टू
माइनस ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन. एंड लास्टली फॉर जीरो से टू, एक्स बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा टू, इस वैल्यू के लिए अगेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो एफ की कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, फोर माइनस एक्स स्क्वायर यूज होगी, और कहां जाएगी इस वाले में टू माइनस एफ एक्स में, क्योंकि हम इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं. तो टू माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होगा मेरा फोर माइनस एक्स स्क्वायर. That's it. This is our final answer. अब इसको ओपन कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो फाइनली दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज फोर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू. एक बार लिख लेते हैं फॉर्मली, इधर इस साइड लिख लेता हूँ मैं, इधर तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर, इधर आ गया फोर प्लस वन फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ गया टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया टू माइनस फोर फोर माइनस टू, और एक्स स्क्वायर माइनस टू. तो फाइनली दिस इज द आंसर. तो सोचो कितने चार डेफिनेशन आए हमारे कॉफ एक्स के, ठीक है ना. चलो अब एक काम और करते हैं, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं और डोमेन और रेंज देख लेते हैं. देखो डोमेन तो क्या हो गया हमारा, यही वैल्यूज हो गई, और ये तो दिख रहा है पूरा सेट कवर है, मतलब ऑल रियल एक्सिस, पूरी रियल एक्सिस कवर है, तो डोमेन तो आर हो गया. अब हम इसका रेंज निकाल लेते हैं. रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, इसका ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना. और एक चीज और, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि ये मैंने अभी जो लिखा था एट प्रेजेंट, दिस इज ग्राफिकली लिखा था, इसको एक और तरीके से लिख सकते, वो और बता ही देता हूं हालांकि, ठीक है ना, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं. देखना मैंने बोला कि अभी मैंने जो ये डेफिनेशन लिखी थी, इधर बेसिकली क्या लिखा था मेरा एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो, इधर क्या लिखा था इस लाइन की जगह एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, अलग कंफ्यूजन होगा उसमें तुम्हें, चलो फिर भी देख लेते हैं. मैंने बोला फॉरगेट अबाउट दिस, अब मुझे क्या करना है एफ एक्स लेस देन जीरो सॉल्व करना है, हालांकि यह तो छूटा ही बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो एफ एक्स ये रखा है, अब मुझे विदाउट ग्राफिकली टेल बताना है कि ये आएगा, तो मैं एक कर रहा हूँ, दूसरा तुम लोग करना, मतलब ग्राफिकली, ग्राफिकली तो मैंने किया है, सॉरी इनइक्वालिटी से जो मैं बता रहा हूँ उससे ये वाला पार्ट करना, मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है. तो एफ एक्स लेस देन जीरो करना है, तो एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो. जब मैंने एफ एक्स की ये डेफिनेशन यूज की, तो इसके साथ जो डोमेन लिखा है वो भी इधर आएगा, समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं. एफ एक्स लेस देन जीरो, तो एफ एक्स ये है लेस देन जीरो, बट ये कब है वो भी इधर आएगा, वो भी आएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो एक्स लेस देन जीरो, समझ में आया. सिमिलरली एफ एक्स लेस देन जीरो ये भी है, ये भी डेफिनेशन, अब ये डेफिनेशन जब यूज हो रही है तो उसके साथ ये भी आएगा, तो एफ एक्स मतलब फोर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, इसके साथ क्या आउट क्या आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इन दोनों का यूनियन इज व्हाट माय आंसर फॉर एफ एक्स लेस देन जीरो. ये तो एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया बेसिकली, करके देख लो भले एक्स स्क्वायर, पहले हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, तो मतलब माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, और एक्स लेस देन जीरो मतलब इस साइड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, इन दोनों का माइनस वन से जीरो, तो दिख रहा है एक आ गया माइनस वन से जीरो. अभी मैंने दूसरा पार्ट, इस पार्ट में फोर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, तो क्या कहेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो हमारा आएगा माइनस टू, और इधर और टू के इधर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट. तो डोमेन क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया फोर वन से इन्फिनिटी, तो इन दोनों का यूनियन इस ये लिखा है, आई होप समझ में आया होगा, बट डोंट गो विद दिस मेथड, ऐसा मेरा मानना है, ग्राफिकली लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो करो, ठीक है ना. इतना ही काम है इसका, ये जो एफ एक्स जो लिखा था ना एफ एक्स लेस देन जीरो, उसको एक्स में मैप करेगा, ठीक है ना. चलो अब हम क्या बोलते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं. तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो. मैंने बोला इसका अब हम ग्राफ बना रहे हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ इतने पार्ट को. चलो अच्छा एक चीज़ और, तुम जैसे अगर मैंने बोला नहीं तो तुम भी लिख लेना. अभी हमने जी ऑफ एफ एक्स निकाला है, तुम्हारा टास्क है होमवर्क क्वेश्चन है फॉग एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, दैट इज योर टास्क. तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना. ग्राफ के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एडवांस में इवन, ठीक है ना, उसको भी एक आधा हम डिस्कस कर लेंगे. देखो पहले मैंने लिखा माइनस वन से जीरो के लिए बना लेते हैं, तो माइनस वन से जीरो इट इज एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन से जीरो मतलब माइनस वन पे भी ओपन है और जीरो पे भी, दिस इज अ पैराबोला, जीरो माइनस वन पे वैल्यू इज वन, ये ब्रांच आई माइनस वन से जीरो पैराबोला एक्स स्क्वायर, करेक्ट है.
अब आते हैं जीरो के पास आते हैं, तो जीरो से टू के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो जीरो से जीरो पे वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो जीरो पे वैल्यू इज माइनस वन, जीरो पे वैल्यू इज माइनस वन विच इज क्लोज, और एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कहां तक करना है जीरो से टू, और टू पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, और थ्री पे भी क्या आएगा, टू पे भी क्या आएगा, टू पे भी क्लोज आएगा, वैल्यू विल बी फिल्ड आएगा, और इधर देखो ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, ये डेफिनेशन क्या है मेरी, इधर लिख लेता हूं, चलो अलग कलर से मार्क कर देता हूं इसको, दिस डेफिनेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला जो डेफिनेशन था वो एक्स स्क्वायर था, अभी मेरा ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, मतलब माइनस वन से टू के लिए ग्राफ आ गया, माइनस वन से टू के लिए। अब फर्दर ग्राफ, अब आते हैं टू से इन्फिनिटी पहले कर लेते हैं, तो टू से इन्फिनिटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब मैंने एक्स की जगह इधर टू रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, फाइव माइनस फोर विच इज वन, तो ग्राफ मेरा यहां से स्टार्ट होगा कहीं से, यहां से ओपन, बिकॉज टू पे इधर ओपन है, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड कैसे जाएगा ग्राफ, क्लियर है, दिस इज माय, देखना मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज माय फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट ये हो गया मेरा कंप्लीट ये वाला पार्ट, अब मैं थ्री माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूं, तो थ्री माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, तो माइनस वन पे वैल्यू कितनी आ रही है इस पे, माइनस वन पे एग्जैक्ट माइनस वन पे वैल्यू इज थ्री माइनस वन विच इज टू, तो टू तो वैल्यू आएगी, टू वैल्यू आएगी माइनस वन पे, और क्लोज है, दिस इज टू, ठीक है क्लोज है, और ग्राफ क्या है थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, तो थ्री माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये हो गया थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माई कंप्लीट ग्राफ। अब ग्राफिकली हम रेंज तो लिख ही सकते हैं, मैंने लिखा व्हाट इज रेंज, यू राइट ऑन योर ओन, चलो ग्राफ देख लिया, अब तुम रेंज लिखो इस ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ रेंज क्या होता है, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो देख लेते हैं, तो देखो बेसिकली इसी वाली ब्रांच ने, ये वाली जो ब्रांच एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसने माइनस वन से थ्री तो कवर किया, थ्री के ऊपर कहीं आ रहा है ये कर्व, नहीं थ्री के ऊपर तो नहीं आ रहा, तो रेंज तो एक तो मेरा क्या हो गया माइनस वन से थ्री, अच्छा, और ये दोनों ब्रांच है, इन दोनों ने माइनस वन से इन्फिनिटी कवर, माइनस इन्फिनिटी कवर कर लिया, तो ओवरऑल रेंज क्या हो गया मेरा, ओवरऑल रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, सॉरी प्लस थ्री, और थ्री पे क्या आएगा क्लोज आएगा, कब आ रही है थ्री पे वैल्यू, कब आ रही है टू पे, एग्जैक्ट टू पे, मतलब कौन सी डेफिनेशन यूज हो रही है, ये वाली टू टू द फोर माइनस वन थ्री, क्लियर है। तो अब देखो अगर मान लो केवल सिंपली रेंज बोले तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रेंज के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस पर्टिकुलर को देख लो तुम्हें इसमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा रेंज निकालने के लिए, समझ में आ रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया है, मतलब बल्कि हो गया है, कॉम्प्लेक्स मतलब बल्कि बोलूंगा मैं, ठीक है चलो। अब इसके बेसिस पे ना, इस ग्राफ के बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं, मैंने बोला मैं इसको रब कर रहा हूं इस डेफिनेशन को, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो देख रहे हैं हम, मैंने बोला वो क्वेश्चन दे सकता है कि देखो लेट द इक्वेशन, लिख लो लेट द इक्वेशन एफ ऑफ, हमने गॉफ एक्स निकाला है ना, जी हाँ, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा हैज फोर सॉल्यूशन, देन फाइंड अल्फा, देन फाइंड अल्फा, खुद से ट्राई करो, पहले समझो क्वेश्चन क्या है, देखो ग्राफिकली करना है, ठीक है ना। अब जब तुम्हें मैंने बताया था ग्राफिकली हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, वाई इज इक्वल टू जी एक्स का बनाएंगे, ठीक है। वो जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे ही बताया था ग्राफिकली सॉल्यूशन सॉल्व करना। तो देखो जी ऑफ एफ एक्स तो मेरा कर्व बना हुआ है, मतलब वाई इज इक्वल टू ये वाला कर्व तो बना है, वाई इज इक्वल टू अल्फा और बनाना है मुझे, वो भी इस प्रकार बनाना है कि चार सॉल्यूशन आए, मतलब वो दोनों कर्व चार जगह इंटरसेक्ट करें, और मुझे पता है कि y इज इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट, दिस अल्फा इज कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू जो अल्फा होगा दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो मैं पॉसिबल केस बता रहा हूं, एक तो ये हो सकती है बट ये नहीं होगी, क्यों, ये तो ग्राफ को एक भी जगह कट नहीं कर रही f ऑफ gx को, सो इससे तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा मैंने बोला चलो थ्री से ऊपर, चलो ऐसे डिस्कस कर, इंटरवल में डिस्कस कर लेते हैं, मैंने बोला अगर अगर मेरा वाई अल्फा, अल्फा का थ्री से इंफिनिटी होगा देन इट दिस इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, तो ऐसे लिख लो, चलो और डिटेल लिख लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं फॉर अल्फा बिलोंगिंग्स टू
थ्री क्लोज से इंफिनिटी नो सॉल्यूशन, केवल चार के लिए नहीं करते, वन टू थ्री फोर जितना हो सकता उतना करते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने बोला थ्री से, अब नीचे आते हैं, तो टू से थ्री, एंड टू पे भी मैं ओपन लगा रहा हूं, तो टू ओपन से थ्री क्लोज, टू ओपन से थ्री क्लोज, चलो टू ओपन से थ्री क्लोज, देखो अब टू ओपन से थ्री क्लोज होगा तो लाइन मेरी लाइन ऐसी होगी, देखो मैं इधर बना दे रहा हूं ऐसी लाइन, तो देख रहा है ग्राफिकली ये ग्राफ को एक जगह कट कर रही है इस जगह, हैंस वन सॉल्यूशन। मैं y एक्सिस में ब्रेक कर रहा हूं बिकॉज अल्फा क्या y एक्सिस पे है ना मेरा, y इज इक्वल टू अल्फा। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब जरूरत नहीं मेरी इसकी। अच्छा अब मैंने आया वन से लेके टू, अच्छा ओके ठीक है, वन से और वन पे क्लोज लगा रहा हूं मैं, तो वन क्लोज से टू क्लोज, वन क्लोज से टू क्लोज, वन क्लोज से टू क्लोज, कितने सॉल्यूशन होंगे, टू सॉल्यूशन, देख लो क्लियरली कितने आगे कट कर रहा है। अगर मैंने ऐसी लाइन बनाई तो लेट से ये लाइन बनाई, तो एक तो ये वाली ब्रांच पे कट किया, एक ये वाली ब्रांच पे कट किया, तो दो सॉल्यूशन, क्लियर है। अब मैं इसको दोबारा रब कर देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी, टू सॉल्यूशन आ गए मेरे। फिर मैं और नीचे बढ़ा, वन से टू हो गया। अब देखो ध्यान से, जीरो से वन, एंड अगेन जीरो पे भी ओपन लगाता हूं मैं, अगर एक मिनट, या जीरो पे भी ओपन लगाता हूं और वन पे भी ओपन, वन क्लोज तो कवर हो गया एग्जैक्टली, माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन पे मेरा दो सॉल्यूशन आ रहे हैं क्या, हाँ दो दो आ रहे हैं, करेक्ट है, वन से टू के लिए भी दो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा फॉर अल्फा लाइन बिटवीन जीरो टू वन, देखना जीरो टू वन के लिए ये लाइन होगी मेरी, ये कट कितने ये कर रही है, एक दो तीन चार, तो देयर विल बी फोर सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं अब कर देता हूं, तो एक्चुअली मेरा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है जीरो टू वन, अल्फा शुड लाइ बिटवीन जीरो टू वन, देन आंसर विल बी फोर सॉल्यूशन, क्योंकि वो वाई इज इक्वल टू अल्फा और गॉफ एक्स है, वो चार जगह कट कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, अब मैंने बोला एक मिनट, चलो तो जीरो टू वन कवर हो गया। अब माइनस वन से जीरो, माइनस वन पे भी मैं एक मिनट के लिए ओपन लगा रहा हूं, बिकॉज एग्जैक्टली माइनस वन पे क्या होगा, मेरे चार तीन सॉल्यूशन आ रहे हैं, इधर भी तीन आ रहे हैं, माइनस वन पे क्लोज लगाऊंगा, देखना फॉर अल्फा लाइन बिटवीन माइनस वन से जीरो, और जीरो पे मैं एक दो तीन जीरो पे क्लोज लगाऊंगा, क्योंकि जीरो इधर तो ओपन था, इधर क्लोज आ गया, तो माइनस वन से जीरो के लिए एक्चुअली ना इधर तुम थ्री पे ओपन लगाओ, इधर यू शुड पुट ओपन थ्री, बिकॉज थ्री ओपन पे नो सॉल्यूशन है, थ्री क्लोज पे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा ना, वाई इजिकल टू थ्री पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो इधर यू विल पुट ओपन, भाई ओपन क्लोज का देख लो, इधर ओपन है इधर क्लोज है, इधर क्लोज है इधर ओपन है, इधर ओपन है इधर क्लोज है, करेक्ट है। अब माइनस वन से जीरो ये लाइन बनाई मैंने, कितने कट कर रही है, एक दो तीन, तो देयर विल बी थ्री सॉल्यूशंस। लास्टली माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह, एक दो, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन, टू सॉल्यूशन। ये तो पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया, मैंने एग्जाम वाला इस क्वेश्चन में तो पार्टिकुलर ये वाला पार्ट पूछा था, ठीक है। माइनस वन पे करेक्ट है, माइनस वन इधर क्लोज आएगा, करेक्ट है। तो समझ में आया कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए सोचो हमें ये क्वेश्चन, ये अगर पूछ लिया उसने तो देखो मेंस में तो पक्का नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना ये आंसर लाने के लिए तुम्हें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले तो कंपोजिट फंक्शन निकालना ही बहुत लेंदी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन होने के मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, उसके बाद फिर हमें ग्राफ बनाना, ग्राफ इटसेल्फ उसमें चार डेफिनेशन है तो बनाने में टाइम लगेगा, फिर उस ग्राफ से फिर इसको सॉल्व करना, तो ओवरऑल मोर ऑर लेस इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए जैसे मेरा मानना है कि 7-8 मिनट लगते हैं, तो इतना क्वेश्चन लंबा मेंस में तो नहीं आएगा, हाँ एडवांस में यू कैन एक्सपेक्ट इन कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दे देता हूं, एक तो होमवर्क तुम्हारा इधर ही बन गया, क्या बन गया, अभी हमने गॉफ एक्स निकाला तो हमें अब फॉग एक्स निकालना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं और होमवर्क के लिए दे देता हूं, वो तुम लोग कर लेना, तो दैट प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स मी राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, और अगर दिक्कत आती है पहले सबसे पहले तो रिमाइंड करके देखो ये वीडियो कंपोजिट फंक्शन वाला, ठीक है ना, अगर फिर भी दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क मी, बट मेरे को नहीं लगता एक दो बार रिमाइंड करके देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूं, दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, एंड दीज बोथ क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर शीट, ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं होमवर्क क्वेश्चन फन,
देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन एक्स लेस देन इक्वल टू। तुम्हें तीनों क्वेश्चन बताने हैं मुझे, दो तो मैं अभी लिख रहा हूं और एक इससे पहले वाला मैंने बोला है, ठीक है ना, फॉग एक्स निकालना और एक जी एक्स दे रखा है वन माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। एक बार देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन एक्स प्लस वन फॉर एक्स लाइन बिटवीन वन ओपन से टू क्लोज जी एक्स इज वन माइनस एफ एक्स एक्स लाइन बिटवीन माइनस टू क्लोज से वन क्लोज, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, जो फॉग एक्स है उसने देखा है फॉग एक्स इज टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड इट इज टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। फाइंड फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू टू एंड इट इज थ्री माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन टू लेस देन इक्वल टू थ्री, ठीक है ना। और एफ ऑफ एफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स मतलब क्या हो गया, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन ही हो गया, बस अंदर वाला फंक्शन भी एफ एक्स है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स फोर माइनस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इधर आया एक्स ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी एक्स इज ग्रेटर देन सी लेस देन इक्वल टू डी। और इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तुम्हें, ठीक है ना, दो और इससे पहले वाला। और एक और मैंने उसमें बोला था तुम्हें, एक और क्वेश्चन दिया था कॉस एक्स और रूट एक्स, दो डेफिनेशन थी, उसमें मैंने फॉग एक्स निकाला था, तुम्हें कॉफ एक्स निकालना था। तो ओवरऑल तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन चार हो गए, दो तो ये, एक इससे पहले वाला और एक वो कॉस एक्स और रूट एक्स वाला, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।